रूस यूक्रेन जंग अभी अपने चरम पर है। दोनों ही देश जंग में बराबरी से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। पुतिन और जेलेंस्की हर संभव प्रयास कर जंग को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश में हैं। लेकिन इस बीच जंग की एक और खबर से दुनिया सकते में है। यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर बसे देश अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव शुरू हो गया है। ये तनाव इतना आगे बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन की तरह ये दोनों देश आपस में जंग करने पर आमादा हो गए हैं। अजरबैजान के हालिया हमलों से आर्मेनिया दहल गया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्मेनिया के नियंत्रण वाले नारगोनो काराबाख में तोपखानों से समर्थन देते हुए अपने सैनिकों को भेजा हुआ है। साथ ही इसे एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन बताया। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के कब्जे वाले क्षेत्र में घुस चुकी है और चेतावनी दी है कि जब तक आर्मेनियाई सेना आत्मसमर्पण नहीं करती तब तक उसका अभियान नहीं रुकेगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग की शुरुआत होते ही आर्मेनिया से पहाड़ी क्षेत्र के 16 गांवों से 7,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। वहीं आर्मेनियाई अधिकारियों ने दावा किया कि क्षेत्र की राजधानी के आसपास भारी तोपखाने की गोलीबारी से कम 2 नागरिक मारे गए हैं और 11 घायल हो गए हैं। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पिशियन ने कहा कि उनकी सेना लड़ाई में शामिल नहीं थी और सीमा पर स्थिति स्थिर थी। इस बीच रूस ने कहा कि वह अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के संपर्क में है और उनसे दोनों पक्षों से नारगोनो काराबाख संघर्ष को लेकर हल करने के लिए बातचीत करने का आग्रह कर रहा है। इसके साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी अजरबैजान से जातीय आर्मेनियाई अलगाववादी क्षेत्र नारगोनो काराबाख के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को तुरंत समाप्त करने का आग्रह किया है। अजरबैजान के हमले के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। लोगों की इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। आपको बता दें कि काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है। काराबाख में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई आबादी रहती है। ऐसे में यहाँ आर्मेनिया का कब्जा है और यही वजह है कि अजरबैजान बार बार हमला करके काराबाग पर अपनी धाक जमाना चाहता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वर्षों पुराना तनाव जस का तस बना ही हुआ है। इससे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया में 2 बार युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जबकि दूसरा 2020 में दोनों देशों के बीच हुआ था, जो कि 29 दिनों तक चला था।